Hi friends, this is Bubbly Kavya from Oxford Institute Lausanne. So friends, today I am going to teach you about need. मैं आज आपको need का use बताने के लिए जा रही हूँ. What is the mean of need? Need का हिंदी sense क्या होगा, mean क्या होगा, तो मैं आपको बता दूँ. Need का mean होता है जरूरत या फिर आवश्यकता, एक ही बात है, ठीक है. जहाँ पे हमें बोलना हो कि यार मुझे पैसों की ज़रूरत है, बोलते हैं हम, ठीक है, मुझे अब अंग्रेजी सीखने की ज़रूरत है, मुझे वो फंक्शन अटेंड करने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, नीड का. तो चलिए नीड का यूज़ सीखते हैं हम एग्जांपल के थ्रू विदाउट एनी डिले. आप यहाँ पे हेडिंग देख सकते हो, नीड. नीड का मीन क्या होगा, ज़रूरत. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पहला ही जो एग्जांपल है वो लिया है कि मुझे एक कार की ज़रूरत है, मुझे एक कार की ज़रूरत है. जैसे मैंने हिंदी में लिखा है, मुझे एक कार की ज़रूरत है. ओके, अब यहाँ पर आपका माइंड जाना चाहिए, हम देखो क्या लिख रहे हैं, ज़रूरत. इसमें क्या है, ज़रूरत. अब सेंटेंस तो देखो कैसा भी बन सकता है, आपको रटना नहीं है, समझना है. ओके, जहाँ पर आपको बोलना हो ज़रूरत या फिर आवश्यकता, वहाँ पर आप किसका यूज कर दोगे, नीड का. जैसे आप बोल रहे हो मुझे एक कार की ज़रूरत है, तो क्या हो जाएगा, आई नीड ए कार, मुझे एक कार की ज़रूरत है. ओके, जैसे आप बोल रहे हो फॉर एग्जांपल मुझे कार खरीदने की ज़रूरत है, क्या बोल रहे हो, मुझे कार खरीदने की ज़रूरत है, तो चलिए इसको ही बनाते हैं, ठीक है. आई नीड टू बाई, खरीदने को क्या बोलेंगे अपन, बाई. बाई का मीन होगा खरीदना. ओके, आई नीड टू बाई ए कार. अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम आपने इसमें टू का यूज़ क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर अपन ने देखो नीड के साथ टू का यूज़ नहीं किया ना. तो मैं आपको बता दूँ, जिस किसी सेंटेंस में हमारी टू वर्ब्स आती है ना, वर्ब आती है, तो उसको अपन ऐड करने के लिए, जोड़ने के लिए बीच में किसका यूज करते हैं, टू का. यहाँ पे देखो हमारी नीड क्या है, वर्ब है. बाई क्या है, हमारी वर्ब है. तो इनको ऐड करने के लिए, जोड़ने के लिए मैंने बीच में किसका यूज किया है, टू का. तो देखिए सेंटेंस जहाँ पे हमारी दो वर्ब्स आ जाए तो उन्हें हम ऐड करने के लिए टू का यूज करेंगे. आई नीड ए कार, मुझे एक कार की जरूरत है, आगे वर्ब नहीं है, मैंने टू का यूज नहीं किया. अब आप बोल रहे हो कि मुझे कार खरीदने की जरूरत है, तो आई नीड टू बाई ए कार. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे मैं बोलूँ कि रोहन को मैच जीतने की जरूरत है, तो रोहन, तो क्या हो जाएगा, रोहन नीड है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट आते ही आप क्या कर दोगे, एस लगा दोगे. रोहन नीड्स टू विन, जीतने को क्या बोलते हैं, विन, विन द मैच, यानी रोहन को मैच जीतने की जरूरत है. ओके, जैसे मैं बोलूं कि उसे अब अंग्रेजी सीखने की जरूरत है, क्या हो जाएगा, ही नीड्स टू लर्न इंग्लिश नाउ, यानी उसे अब अंग्रेजी सीखने की जरूरत है, मुझे अंग्रेजी सीखने की जरूरत है, क्या होगा, आई नीड टू लर्न इंग्लिश, उसे अंग्रेजी सीखने की जरूरत है, ही नीड्स टू लर्न इंग्लिश. अच्छा, मुझे पैसों की जरूरत है, बनाओ जल्दी से, आई नीड मनी. ओके, अब मैं बोलूँ कि उसे पैसों की जरूरत है, तो क्या हो जाएगा, ही नीड्स मनी. नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, जैसे मैं बोलूँ कि रीना को पैसे कमाने की जरूरत है, तो क्या हो जाएगा, रीना needs to earn money, रीना को पैसे कमाने की जरूरत है. ओके, जैसे मैं बोलूं उन्हें समय पर क्लास अटेंड करने की जरूरत है, तो उन्हें, उन्हें को क्या बोलोगे आप, दे, बना दो सेंटेंस, दे need to
अटेंड द क्लास ऑन द टाइम. दे नीड, उन्हें जरूरत है टू अटेंड करने की द क्लास, क्लास को ऑन द टाइम, समय पर. यहां पर देखो नोटिस करो, नीड और अटेंड दो वर्ब है, तो मैंने इसमें किसका यूज किया, टू का. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बोल रहे हो कि मुझे विदेश जाने की जरूरत है, तो क्या बोलोगे, आई नीड टू गो टू अब्रॉड. जैसे मैं बोलू कि उसे यहां आने की जरूरत है, तो क्या हो जाएगा, ही नीड्स टू कम हियर. मुझे 4 बजे उठने की जरूरत है, तो क्या हो जाएगा, आई नीड टू गेट अप एट 5 o'clock. आई होप कि आपको नीड का यूज ऐसे समझ में आ रहा होगा. चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं. मैं नीड से कुछ यहाँ पे राइट करूंगी सेंटेंस हिंदी के, हम क्या करेंगे उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे. हमें बस ध्यान रखना है जहां पर मतलब कि सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए तो वहां पे आपको क्या करना है, एस लगा देना, और जहां पर हमारी प्लूरल सब्जेक्ट हो तो वहां पे कोई चेंजिंग नहीं करना. ओके, और जहां पर टू वर्ब्स आ जाए तो बीच में अपन टू का यूज करके उनको जोड़ देंगे, और बाकी अगर टू वर्ब्स नहीं है तो अपन बीच में टू का यूज नहीं करेंगे. गॉट इट? ओके, मुझे खाना बनाने की जरूरत है. क्या लिखा मैंने, मुझे खाना बनाने की जरूरत है. आपका माइंड तो जाना चाहिए जरूरत पे. ओके, तो जरूरत का यूज करोगे नीड का. अब मैं बोलूं फॉर एग्जांपल, रीना को एक कंप्यूटर की जरूरत है. ओके, अब जरूरी नहीं कि ये सेंटेंस प्रेजेंट में ही बने, कैसे भी बना सकते हैं, वही बात आपको रटना नहीं है, समझना है. ठीक है, जैसे आप बोल रहे हो कि उसे पैसों की जरूरत है, तो बोलने से पता चल रहा है ये प्रेजेंट में है कि भाई उसे पैसों की जरूरत है. जैसे आप बोल रहे हो कि मुझे पैसों की जरूरत थी, बोलते हम सेंटेंस की यार उस समय मुझे पैसों की जरूरत थी, तो क्या हो जाएगा, नीड की सेकंड फॉर्म लगा देनी, नीडेड. बस सिंपल सा काम है. जैसे मैं बोलूं कि उसे पैसों की जरूरत थी, उसे पैसों की जरूरत थी, पास्ट में गया ना ये सेंटेंस, जरूरत थी. ओके, नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है, वो है उसे घर की जरूरत होगी. फ्यूचर में भी तो हो सकता है ना, उसे घर की जरूरत होगी, तो क्या होगा, उसे एक घर की जरूरत होगी या फिर आवश्यकता होगी, एक ही बात है. ओके, तो चलिए इनको अपन इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं. देखिए हमारा जो पहला एग्जांपल वो है, मुझे खाना बनाने की जरूरत है. ओके, तो मुझे बोले तो आई, ओके, आई नीड. अब देखो टू बनाने को क्या बोलते हैं, मेक फूड. आई नीड टू मेक फूड, मुझे खाना बनाने की जरूरत है. अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है, रीना को एक कंप्यूटर की जरूरत है, क्या हो जाएगा, रीना नीड का क्या होगा, नीड्स ए कंप्यूटर. रीना को एक कंप्यूटर की जरूरत है या फिर आवश्यकता है. अब देखिए उसे पैसों की जरूरत थी, पास्ट में गया ना ये सेंटेंस, तो नीड की क्या कर देंगे अपन, सेकंड फॉर्म लगा देंगे. उसे तो क्या होगा, ही
नीडेड मनी, उसे पैसों की जरूरत थी, ही नीडेड मनी। नेक्स्ट है उसे एक घर की जरूरत होगी फ्यूचर में, तो विल का यूज कर देना है, ही विल नीड ए होम, उसे घर की जरूरत होगी। अब आई होप कि आपको अच्छे से नीड का जो मीन है, यूज है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस मैं एक ही बात बोलना चाहूंगी कि कोई भी सेंटेंस हो, ठीक है, उसे रटना नहीं है, क्योंकि रटा हुआ आप आज याद रखोगे कल भूल जाओगे। अब नीड का आपके सामने कैसा भी सेंटेंस आ जाए, पहले हिंदी में सोचो, उसके बाद इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। ओके, जैसे आप बोल रहे हो कि यार अब मुझे एक कंप्यूटर की जरूरत है, तो जरूरत आवश्यकता यार एक ही बात है, वहां पे आप नीड का यूज करो ना, आई नीड ए कंप्यूटर, मुझे एक कंप्यूटर की जरूरत थी पास्ट में, तो नीड का क्या कर दोगे आप, नीडेड, आई नीडेड ए कंप्यूटर, मुझे एक कंप्यूटर की जरूरत होगी तो क्या होगा, आई विल नीड ए कंप्यूटर। जैसे मैं बोलूँ कि मुझे एक कार खरीदने की जरूरत है, आप भी इंग्लिश बनाने की कोशिश करो, मुझे एक कार खरीदने की जरूरत है, तो आई नीड टू, टू लगाया क्यों, आगे बाई हमारी वर्ब है, ओके, आई नीड टू बाई ए कंप्यूटर, सॉरी आई नीड टू बाई ए कार, मुझे एक कार खरीदने की जरूरत है, और मुझे एक कार खरीदने की जरूरत थी तो क्या हो जाएगा, आई नीडेड टू बाई ए कार, मुझे एक कार खरीदने की जरूरत होगी तो क्या होगा, आई विल नीड टू बाई ए कार। ओके, मैं कुछ सेंटेंस दे रही हूँ आपको बनाने के लिए, आप बनाने की कोशिश करना, देखते हैं कि आपको समझ में आया है या फिर नहीं। कुछ हिंदी के सेंटेंस दूंगी, आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करना। ओके, मुझे उस कॉलेज में पढ़ाने की जरूरत है, ओके? नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है वो है, उसे पढ़ाई करने की जरूरत है, ओके? नेक्स्ट हमारा जो एग्जांपल है, सॉरी आपको मैं दे रही हूँ सेंटेंस बनाने के लिए, वो है हमें यहाँ समय पर पहुँचने की जरूरत है, ओके? नेक्स्ट है जैसे मैं बोलूँ उसे रोजाना जल्दी उठने की जरूरत है, ओके? मैंने ज्यादा आपको ये सेंटेंस नहीं दिए, ओनली फॉर मैंने फोर ही दिए, ओके? आप इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करना, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। देखिए, मुझे उस कॉलेज में पढ़ाने की जरूरत है, ओके? उसे पढ़ाई करने की जरूरत है। नेक्स्ट है हमें यहाँ समय पर पहुँचने की जरूरत है, उसे रोजाना जल्दी उठने की जरूरत है। तो आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करना, बाकी आपको समझ में नहीं आया, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड करना, आपको जरूर रिप्लाई मिलेगा। तब तक बाय, टेक केयर।